जैसे ही बिग बॉस का एक नया सीजन आता है, पब्लिक खुश हो ना हो, रोस्टर कम्युनिटी जरूर खुश हो जाती है। साल में इतनी सारी वीडियोस बनाकर व्यू लेने का मौका जो मिलता है। इतने सारे बिग बॉस आ रहे कि सलमान भाई भी खुद कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कौन सा देखे और कौन से को ब्लॉक करे। हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, और मैं तो ये वेट कर रहा हूँ कि हरियाणवी कब आएगा जिसमें अंदर ही बोलेंगे अरे लट्टे गाड दूं। वैसे हैरानी की बात तो ये है कि बिग बॉस मराठी का सीजन बस खत्म ही हुआ था, उसका फिनाले कि सलमान भाई ने ग्रैंड प्रीमियर बिग बॉस 18 लॉन्च कर दिया। वैसे मुझे तो ज्यादा हैरानी होती नहीं आजकल का जो दौर चल रहा है देखकर, कि कल को भविष्य में ऐसा बिग बॉस भी आ सकता है बिग बॉस छपरी, जिसके अंदर सारे ही छपरी होंगे। क्योंकि भैया अगर देखे तो कुछ सीजन से ना छपरी ही जीत रहे हैं। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, अभी जो खुद मराठी बिग बॉस जीता है उसकी रील देख लीजिए। ये क्या है? अब बात करते हैं बिग बॉस 18 की। 18 ही चल रहा है ना, वैसे OTT भी 3 चलेगा तो कंफ्यूज हो जाता हूँ यार मैं भी। पॉइंट पर आने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के लिए ना गलत मैसेज जा रहा है। आने वाला यूथ पढ़ाई लिखाई छोड़कर ना सिर्फ यही करने वाला है, जैसे पुनीत सुपरस्टार, वड़ा पावगर, थारा भाई जोगिंदर, एजाज खान, डोली चायवाला और अपने रजत भाई, जिसे करने से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी मिलेंगे, लाइक्स भी मिलेंगे और बड़े बड़े ब्रांड जिनके साथ एडवर्टाइजमेंट शूट करने का मौका भी मिलेगा। पैसों की बारिश होगी और ज्यादा ही क्रिंज कर दिया तो बिग बॉस में आने का इनकी तरह मौका भी मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 निकलते निकलते ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग इंजीनियर डॉक्टर बनने की बजाय ना छपरी ना बनने लग जाए। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दे, सिविल सर्विस की तैयारी करना छोड़ दे, डॉक्टर इंजीनियर बनना छोड़ दे और वो बनने लग जाए सिर्फ इन्फ्लुएंसर। सपोज करो अगर आगे आने वाले भविष्य में बच्चे आर्मी ज्वाइन ना करे तो देश का क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कहीं ना कहीं देश के हर जवान के दिमाग में ये तो चल रहा होगा कि वो देश के लिए जान हथेली पर रहकर देश सेवा करते हैं, त्योहारों में परिवार से दूर रहते हैं, साल में सिर्फ एक महीने की छुट्टी मिलती है जब वो अपने परिवार से मिलने आते हैं और सैलरी के नाम पे मिलते हैं सिर्फ 40,000 रुपए, और वहीं पे जिनका मैंने पीछे नाम लिया है वो लड़ाई करके या नाली में लेट कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप ही सोचो, अपने घर में पूछो, जो आपके गार्जियन है, पेरेंट्स है, माँ बाप से पूछो, वो आपको सही ओपिनियन देंगे। मेरी भी मत मानो, अपने माँ बाप की भी मत मानो, खुद जाओ मिरर के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से पूछो क्या ये सही है। आपको इसका आंसर आप खुद ही देंगे। चलो छोड़ो, ज्यादा सीरियस हो गया, टॉपिक पर वापस आते हैं। सीजन में वैसे तो काफी लोग आए हैं इस बार, लेकिन 2-3 लोगों को छोड़ दे तो आप खुद भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, जिसके लिए आपको खुद भी गूगल करना पड़ेगा। जिनमें से मैं खुद 3 लोगों को जानता हूं। नंबर 1 पे है करणवीर, जिन्होंने हाल ही में खतरों के खिलाड़ी का सीजन जीता है और वो काफी सालों से टीवी पे काम भी कर रहे हैं और जाना माना चेहरा भी है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब रजत आता है तो उनकी फट क्यों जाती है। अगला नाम है विवेन, वैसे ये काफी जाना माना चेहरा है, कलर्स के बहुत सारे सुपरहिट शो में इन्होंने काम किया और मैं सही बताऊं ना भाई, कलर्स वाले अगर हो ना हो 100% फिनाले में तो इनको देख रहे हैं और जिता भी सकते हैं बिग बॉस का सीजन 18, और ये शुरू वाले एपिसोड में भी बता दिया है। वैसे तो जो ग्रैंड प्रीमियर हुआ है ना उसमें कोई रीच आई नहीं क्योंकि इंडिया का मैच भी था, लेकिन जिस टाइम पे अनाउंस होता है सलमान खान के द्वारा विवेन का नाम, तब सबसे ज्यादा एंगेजमेंट कह लो, TRP कह लो, बिग बॉस को तब मिलती है उस दिन। नेक्स्ट कंटेस्टेंट रजत दलाल, पूरी दुनिया रजत दलाल की बिग बॉस में एंट्री होने से हैरान थी, लेकिन एक शख्स था जो बिल्कुल भी हैरान नहीं था और वो थे सलमान खान, क्योंकि दोनों ही भाइयों ने गाड़ी बहुत तेज चलाई थी सड़क पे। मैं तो सबसे ज्यादा जो नाराज हूँ ना पीपोए भाई से, जिनका यूट्यूब चैनल भी, और जो कहते हैं कि उनका जो टेलीग्राम है ना वो कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने हैशटैग भी चलाया था बॉयकॉट करने के लिए कि और यूट्यूब पे कोई भी इनके साथ कोलैब ना करे, लेकिन भाई ये तो उल्टा ही हो गया। यूट्यूबर तो छोड़ो, यहाँ पे तो जियो सिनेमा और कलर्स ने और बिग बॉस ने कोलैब कर लिया। तो करणवीर आपने 20 साल लगा यहाँ तक के पहुंच। जी सर, गलतियां कर करके। हाँ, अब मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। अच्छा, इन्होंने बस 20 महीने में ये कारनामा कर लिया है। अच्छा, प्लीज वेलकम सदस्य नंबर 10 रजत दलाल। वैसे सोचने वाली बात है कि भाई सलमान खान को भी दिखाई दे रहा था कि करणवीर तुम्हें यहाँ पे आने में सालों लग गए, अरे यहाँ पे भैया ये तो 20 महीने में ही पहुंच गए। अरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट और समझदार कंटेस्टेंट के बारे में तो मैं बताना ही भूल गया। जी हाँ, गधे भैया।
सारी लड़कियां पीछे पड़ गई है भैया उनके। तू के लिए ना एक और गदी लगवा सकते हैं ना। टॉयलेट ट्रेनिंग दे रही हूँ, सुन रहे हो? टट्टी को टिश्यू में लो, डस्टबिन में फेंको और फ्लश कर दो। ओके गदा बेबी। बेचारे को ये समझ नहीं आ रहा कि उसकी जिंदगी बाहर ज्यादा खराब थी या अंदर ज्यादा खराब हो गई है। मुझे तो भाई बुरा लगता है, बेचारा इन लड़कियों की आवाज सुन सुन के ना रोता है, बार बार चिल्लाने की आवाज आती है। पहले तो यार ये फैमिली शो हुआ करता था, लेकिन एक रील देख के मैं भी बड़ा हैरान हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब काफी मजाक तो हमने कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का बिग बॉस वो टीआरपी गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीजन 13 के बाद में जो कंपैरिजन होता जा रहा है बिग बॉस का, और साल में इतनी बार बिग बॉस दिखाई दे रहा है कि जो हाइप हुआ करती थी ना, वो हर दिन हर शो के बाद डाउन हो रही है और लोगों में इंटरेस्ट भी खत्म हो रहा है। और सही बताऊं तो भाई, जिस हिसाब से जो लाइफ चल रही है ना, लोगों को एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, उससे मुझे तो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ेगा सोसाइटी में। जैसे ही शो शुरू होता है, पहले दिन ही रजत को लाइमलाइट में ले आते, क्योंकि उसका जो नेचर है स्ट्रेट फॉरवर्ड है भैया, लोगों को बाहर यही देखने में मजा आता है। और पहले दिन ही वो बग्गा जी से भिड़ जाते हैं, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं बाहर के, उस पर बात शुरू हो जाती है। अब देखना ये है कि ये जो घर का माहौल है ये कितने दिन तक बना रहता है, क्योंकि पेशेंस लेवल तो आजकल किसी में है नहीं, और वहां पे हाथ उठाना पॉसिबल है नहीं। तो आगे देखना भाई, मेरे पास तो सही बताओ ना, ये वीडियो करिए तो जाके देखा है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो भाई ये शो देखने के बाद ना नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ता है सबकॉन्शियसली। तो मैं तो दूर ही हूँ, बाकी आप कहोगे तो इसके ऊपर व्यूज लेने के लिए मैं फिर एक वीडियो और बना दूंगा, लेकिन मेरा बहुत खर्चा हुआ भैया, मुझे भी बुलाया था, लेकिन मेरी ऐसी पर्सनैलिटी की इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा कि राजवीर को बुलाया जाए और जो देखा जाए कि क्या होता है क्या नहीं। और वाइल्ड कार्ड एंट्री में मैं आपको बता दूँ, दो तीन लोग हैं जो आ सकते हैं, विवियन की एक्स वाइफ और करण की एक्स वाइफ, क्योंकि बाहर जैसे ही एक आदमी घर के अंदर जाता है तो बाहर भैया गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। आपके क्या विचार है जो मैंने वीडियो में बीच में बोला है, आप भी उस पर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगला टॉपिक मेरा लाइफ ऑफ इन्फ्लुएंसर, या फिर ये कहोगे एरा ऑफ इन्फ्लुएंसर, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें गलत जा रही है, उसके ऊपर मैं प्रॉपर डिज़ाइन करके वीडियो शूट करने वाला हूँ, जिससे एक अच्छा मैसेज भी जाए, और वो सारी रिसर्च बेस होगी। तो आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। और हाँ भाई, व्यूज़ के लिए ही काम करते हैं, बिना व्यूज़ के यहाँ कोई नहीं है सोशल मीडिया पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, पॉजिटिव काम करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।